नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि और सूर्य से बनने वाले एक योग के बारे में। ये योग जिस जातक की जन्म कुंडली में होता है उसके जीवन में सरकारी कार्यों में, कोर्ट कचहरी के कार्यों में रुकावटें आती रहती हैं। वे कार्यों में बार बार विघ्न पड़ते हैं, वे कार्य पूरे नहीं होते हैं, पूरे होते हैं तो बहुत लंबे समय बाद में, बहुत खर्च करने के बाद में, सिफारिशें करने के बाद में वे कार्य पूरे होते हैं। तो मित्रों, ये ऐसे कौन से योग हैं, इस योग के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बात करते हैं ये शनि और सूर्य से बनने वाले इस योग के बारे में। ये योग नहीं, एक तरह से दोष भी इसे कहा जा सकता है। अब मित्रों, ये योग कैसे बनता है? आपकी जन्म कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, ये जन्म कुंडली का लग्न भाव होता है। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसके अनुसार लग्न कुंडली कहलाती है। अब यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। अब मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में जहां पर शनि बैठे हैं, जहां पर शनि स्थित है, उसके अनुसार आपको देखना है कि सूर्य शनि से तीसरे स्थान में, सातवें स्थान में या दसवें स्थान में हो। यानी शनि जहां पर बैठे हैं वहां से गिनने पर तीसरे भाव में, तीसरे स्थान में या सातवें स्थान में या दसवें स्थान में सूर्य ग्रह बैठे हो। तो मित्रों, ये पहला स्थान है और यहाँ से तीन गिनने पर यहाँ पर ये शनि से तीसरा स्थान हो रहा है और कुंडली का भी तीसरा स्थान है। तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हैं तो क्या होगा कि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो सूर्य पर होगी। शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर होगी। अब बात करें कि शनि जहां पर बैठा है वहां से सातवें भाव में अगर सूर्य बैठे हो, तो शनि जहां पर बैठा है ये पहला भाव होता है कुंडली का और ये सातवां भाव होता है। तो यहां पर सूर्य बैठे हैं तो ऐसे में शनि की सूर्य पर सातवीं दृष्टि होगी। अब बात करते हैं कि शनि जहां पर है वहां से दसवें भाव में अगर सूर्य है, तो ये जन्म कुंडली का दसवां भाव, यहां पर सूर्य है तो शनि की दसवीं दृष्टि सूर्य पर होगी। तो इस तरह से आपको देखना है। मान लीजिए शनि यहां पर है तो तीसरा भाव गिनने पर ये तीसरा भाव आएगा, इसी तरह सातवां भाव गिनने पर जन्म कुंडली का आठवां भाव सातवां भाव कहलाएगा। शनि से सातवें भाव में अगर सूर्य होगा तो इस तरह से हम गिनेंगे, यहां पर शनि है तो ये सातवां भाव होगा और लग्न में शनि है तो लग्न से ये सातवां भाव होता है। इस तरह से आपको देखना है। तो शनि जहां पर बैठा है वहां से तीसरे भाव में, सातवें भाव में, दसवें भाव में अगर सूर्य देव विराजमान है, सूर्य ग्रह विराजमान है, तो शनि की दृष्टि जो है वो तीसरी दृष्टि होती है, सातवीं और दसवीं दृष्टि होती है। तो ये शनि की दृष्टि में सूर्य आने की वजह से ऐसा होता है कि उनके जीवन में सरकारी कार्यों में, राजकीय कार्यों में, कोर्ट कचहरी के कार्यों में दिक्कतें आती है, रुकावटें उत्पन्न होती है और उस वजह से उनके जो कामकाज है वे डीले हो जाते हैं, लंबे समय तक वे कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, आप स्वयं देखिए आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो आपकी जन्म तारीख, जन्म समय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसके अनुसार उपाय बताने का अवश्य प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।